Dear students, today I want to teach you MCB lesson number 11, the model miniatures. इसे मैं आज तुम लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ध्यान से सुनोगे इसको. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truths of modern life, which Hajji Erskine never understood. Poor Hajji, when his father died, he had left him no money at all. Thus, Hajji had to live on £200 a year that an old aunt gave him. He had tried his hand at various jobs, but did not like any of them. Ultimately, he became nothing, a delightful, unsuccessful young man with a perfect profile and no profession. कहना है कि जब तक किसी के पास धन नहीं हो तो उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती है. किसी को सबसे अच्छा जिंदगी होता है परमानेंट इनकम. परमानेंट इनकम रहता है तो अच्छा उसका जीवन चलता है. यहाँ पर एक मॉडर्न लाइफ की बात की सच्चाई बताते हैं जो हज्जी इरस्किन कभी नहीं समझ पाया. हज्जी उसके जब पिता मरे थे तो उसे एक पैसा भी नहीं दिया था. उसके पास एक भी पैसे नहीं थे हज्जी के पास जब उसके पिताजी मरे थे. हज्जी को केवल 200 पाउंड्स पर ईयर मिलता था उसकी चाची की ओर से. उसने बहुत सारे नौकरियों के लिए ट्राई किया किंतु सफलता नहीं मिली. वह बहुत ही निराश हो गया. वह अनसक्सेसफुल यंग मैन था. उसको कोई परफेक्ट नौकरी नहीं थी, कोई प्रोफेशन नहीं था. हज्जी बेचारा इधर उधर मारा फिर रहा था. उसके पास कोई पैसे नहीं थे. टू मेक मैटर्स रॉस ही वॉज इन लव. द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मेल्टन, द डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड कर्नल. दे वेयर देंड्स मोस्ट कॉपल इन लंदन, बट दे डिड नॉट हैव ए पेनी पीस बिटवीन देम. द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हज्जी, but would not hear of any formal engagement. To make matters wrong, he was in love. इतना सब कुछ गंदा रहने के बाद, इतना सब कुछ न पैसे रहने के बाद भी वह किसी एक लड़की से प्यार करता था. The girl he loved was Laura Matron. Laura Matron नाम की लड़की से प्यार करता था जो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी. रिटायर्ड कर्नल लंदन में बहुत ही हैंडसम आदमी था, सबसे हैंडसम कपल था. इसके पास भी पैसे नहीं थे. कर्नल इसके बहुत ही शौकीन था हज्जी का. हज्जी को बहुत मानते थे कर्नल, किंतु अभी अपनी पुत्री के साथ उसका कोई रियल इनेजमेंट नहीं करवा पाए थे. अभी शादी नहीं हो पाया था दोनों में. एक दिन कर्नल ने कहा हज्जी से, Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say. कर्नल कहते थे, मेरे पास आओ मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास 10,000 pounds हो जाएंगे, तब हम तुम लोग को साथ करा देंगे. One morning, Hajji dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was an artist. He was a strange rough fellow with a crinkled face and a red ragged beard. However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were eagerly sought after. एक सुबह की बात है, हज्जी चला गया एक अपने दोस्त के पास. उसके दोस्त का नाम है एलान ट्रेवर. ट्रेवर बहुत अच्छा आर्टिस्ट था. जब वह ब्रश लेकर कहीं पर खड़ा होता था तो सचमुच में एक मास्टर की तरह दिखता था. उसके दाढ़ी लाल लाल थे. एक दिन वह अपने पिक्चर बना रहा था, उसी समय हज्जी उसके पास पहुंच गया. When Hajji came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was an old man with a wrinkled face and a serried expression. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak.
all tears and letters. His thick boots were patched, and with one hand he leaned on a rough stick. With the other he held out his battered hat for alms. जब हज्जी अपने दोस्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मेरा दोस्त एक पिक्चर बनाने में लगा हुआ है और बहुत ही वंडरफुल लाइफ साइज का पिक्चर बना रहा है, एक बेगर मैन का, एक भिखारी का। जिस भिखारी का वो पिक्चर बना रहा है वो खुद भिखारी बगल में ही स्टूडियो में खड़ा है, जहाँ बना रहा है वही एक कोना में खड़ा है। वो भिखारी एक बूढ़ा आदमी था, उसका फेस थोड़ा झुर्री आया हुआ था, अपने कंधे पर एक गमछा रखे हुए था, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके जो जूते थे वो जहां तहां से फटे हुए थे और उसमें पैचिंग किया हुआ था। वो अपने हाथ में अपनी ही टोपी लिए हुए था भीख मांगने के लिए। ऐसा था भिखारी का हुलिया और उसी भिखारी को देख करके वो हूबहू उसका पिक्चर बनाने में लगा हुआ है उसका दोस्त। भाटे न माजी मॉडल विस्पायरेड हज्जी एज ही शूक हैंड्स विथ हिज फ्रेंड्स। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, हाउ मच डज ए मॉडल गेट फॉर शिफ्टिंग, आस्क्ड हज्जी। हज्जी ने पूछा, कितना अच्छा पिक्चर बना रहे हो। जैसे ही अपने दोस्त से हाथ मिलाया उसी समय उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कितना दुखमय स्थिति में ये भिखारी है, ऐसा करने में तुम्हें कितना पैसा मिलता है। ए सिलिंग एन आवर, उसके दोस्त ट्रेवर ने बताया, एक घंटा के लिए एक सिलिंग, एक क्वाइंस का नाम है, एक सिलिंग मिलता है एक घंटा के लिए। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलान, और जब ये पिक्चर बनाकर कंप्लीट कर दोगे तब तुम्हें कितना मिलेगा एलान, अपने दोस्त से पूछा हज्जी ने। ओ फॉर दिस आई गेट 2000 ग्विन्स, इसे बनाने के बाद मुझे 2000 सिक्के मिलेंगे। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव ए परसेंटेज, क्राइड हज्जी लॉफिंग, दे वर्क क्विट एज हार्ड एज यू डू। अच्छा ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पिक्चर तुम बना रहे हो। हज्जी थोड़ा हंसा और काम में लग गया। नॉनसेंस, भाई लुक एट द ट्रेवल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस इजल, इट इज ऑल वेरी वेल हज्जी फॉर यू टू टॉक, बट आई श्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट बिकम्स मैनुअल लेबर, बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम ऑक्यूपाइड टू सो कीप क्विट। ओ हज्जी तुम चुप रहो, मुझे पिक्चर बनाने दो, जब तक मैं पिक्चर नहीं बना लूंगा तुमसे बातें नहीं करूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ए हेल्पर केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। डोंट रन अवे हज्जी ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन ए मोमेंट। कुछ समय के बाद एक हेल्पर अंदर आया स्टूडियो में और आर्टिस्ट ट्रेवर से कहा कि बाहर आपका इंतजार कर रहा है फ्रेम मेकर, वो आपसे बात करना चाहता है। तो आर्टिस्ट ने कहा अपने दोस्त हज्जी से, चले मत जाना हज्जी, मैं अभी तुरंत वापस आऊंगा, अभी रुकना। The old beggar took advantage to Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wretched that Hajji could not help pitying him and felt in his pockets to see what money he had. All he could find was a gold coin, a sovereign. Poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, but it means no caps for the next 2 weeks. And he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. जब वो आर्टिस्ट बाहर चला गया तो इस बूढ़े भिखारी को थोड़ा सा समय मिला उसके अब्सेंस का, आर्टिस्ट के अब्सेंस का। ये सोचा कि लकड़ी के बेंच पर थोड़ा सा बैठ जाऊं, और वह बैठ गया और उसी समय हज्जी को उस पर दया आ गया, उस बूढ़े भिखारी के ऊपर। उसने अपने पॉकेट को टटोला, पॉकेट में एक ही गोल्ड क्वाइंस मिले। उसने बूढ़े भिखारी को देना चाहा और उसको दे दिया। उसके टोपी में, उसके हाथ पर एक सिक्का जो हज्जी के पैकेट से निकला था उसको दे दिया।
The old man looked surprised and smiled kindly. Thank you, sir, he said. Thank you. बूढ़ा भिखारी को जब वो सिक्का मिल गया तो वह आश्चर्य से देखा और मुस्कुरा करके कहा हज्जी को कि थैंक यू सर, थैंक यू. Then traveler arrived and Hajji took his leave, blessing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for him for his extra advantage, and had to walk along. जब आर्टिस्ट अंदर आ गया, ट्रेवर अराइव्ड, वहां से हज्जी चला गया. हज्जी अब सेंट हो गया वहां से, और वह जाकर के खुशी खुशी सोच रहा है कि मैंने जो किया अच्छा किया, भिखारी को पैसा दे दिया अच्छा किया. और वह घर जाकर अपने प्रेमिका लौरा से मिलता है, बात करते रहता है. एंड टू बैक होम दैट नाइट, उस रात्रि को ही मेट ट्रेवर एट द पैलेट क्लब. वेल एलान, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, ही सेड. हज्जी ने पूछा ट्रेवर जो आर्टिस्ट था उससे कि ओ आर्टिस्ट, वो दोस्त, क्या तुमने अपना पिक्चर तैयार कर लिया? फिनिशेड एंड फॉर्मेट माई बॉय, आंसर ट्रेवर, एंड बाय द वे यू हैव मेड ए कॉन्क्वेस्ट, दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ ए क्विट डिवोटेड टू यू, आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, हु यू आर, वेयर यू लिव, व्हाट योर इनकम इज, व्हाट प्लान्स यू हैव. मैंने उस पिक्चर को कभी बना लिया, उसको फ्रेम भी करवा दिया, ट्रेवर ने जवाब दिया. वो बहुत ही ओल्ड मॉडल का पिक्चर था, बहुत ही अच्छा पिक्चर था, लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम्हारी इनकम क्या है और तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? आर्टिस्ट ने पूछा हज्जी से. माई डियर एलान, क्राइड हज्जी, I shall probably find him waiting for me when I go home. Poor old wretch. I wish I could do something for him. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why, his rage were falling to bits. हज्जी ने जवाब दिया अपने दोस्त को, माय डियर एलान, मैं अभी कुछ दिन तक इंतजार करते रहना चाहता हूँ. अभी मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन इंतजार करूंगा. लेकिन उस बूढ़े भिखारी का क्या हुआ? वो बूढ़ा भिखारी बहुत ही दयनीय स्थिति में था. मेरे पास ढेर सारे पुराने कपड़े हैं घर पर, चाहे तो कुछ कपड़ा हम उसे दे सकते हैं. क्या वह बूढ़ा भिखारी मेरे उन पुराने कपड़ों को स्वीकार करेगा? हज्जी ने पूछा अपने आर्टिस्ट दोस्त एलान से. बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, सेड ट्रेवर. ट्रेवर ने गुस्सा करके कहा अपने दोस्त हज्जी को, आई वुड नॉट पेंट हिम इन ए फॉर्मल सूट फॉर एनीथिंग, हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर. मैं तुम्हें अपने पिक्चर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यद्यपि मैं तुम्हें तो अब तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ. एलान सेड हज्जी सीरियसली, यू पेंटर्स आर ए हर्टलेस लॉट. हज्जी ने कहा, ओ एलान, तुम लोग जो पेंटर्स होते हो निर्दयी होते हो, तुम्हारे हृदय में दिल नहीं होता है, निर्दयी होते हो तुम. तब इस पर आर्टिस्ट ने जवाब दिया, An artist hurt is his head, replied Trevor. Besides, our business is to show the world as we see it, not to reform it as we know it. Now tell me, how is Laura? The old model was quite interested in her. Artist ne jawab diya apne dost Hajji ko. An artist hurt is his head. Ek artist ka dil uska sir hi hota hai. Our business is too short to build as we see it. हमारा बिजनेस होता है कि मैं जैसा दुनिया को देखूं वैसा मॉडल में उतारूं. और तुम ये बताओ कि तुम्हारी लौरा कैसी है? Do not say that you talked to him about Laura, said हज्जी. हज्जी ने कहा कि मेरे लौरा के बारे में तुम बातें मत करो. Certainly I did. He knows all about the
relentless colonel. The lovely Laura and the £10,000. ठीक है, मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि तुम कर्नल के लिए 10,000 सोने के सिक्के इकट्ठा किया. Did you tell that old beggar about my private affairs? cried Hajji angrily. Hajji ने गुस्सा करके कहा कि क्या तुम उस बूढ़े भिखारी को देखा है? My dear boy, said Trevor, smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He has a house in every capital, dines off gold plates, and can prevent Russia going to war when he chooses. अब ट्रेवर ने सही सही बताया उस भिखारी के बारे में अपने दोस्त हज्जी को. Oh, my dear boy, that old beggar, as you call him, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो, वह यूरोप का सबसे महान शख्स है. उसको हर राजधानी में एक एक मकान है, सोने की थाली में खाना खाता है, और वह रसिया के साथ जो युद्ध हो रहा है उससे बचने के लिए इधर उधर छिप रहा है. What on earth do you mean? exclaimed Hajji. Hajji ने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? What I say, said Trevor. Trevor ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ सच है. The old man you saw today was Baron Hirschberg. He is a great friend of mine who appreciates my art and views all my paintings. He asked me a month ago to paint him as a beggar. What can I say about the wish of a millionaire? I must say he looked magnificent in his rags. Or perhaps I should say in my rags. I got that old suit in Spain. जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ. ओल्ड मैन जिसे तुमने देखा था, भिखारी जिसे तुम कह रहे हो, बैरन हर्शबर्ग. वो बैरन हर्शबर्ग था एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त. वो मेरा सारा आर्ट का पेंटिंग खरीदेगा. उसने मुझे एक महीने पहले कहा था कि मेरा एक पिक्चर बना दो, और मैंने उसका एक पिक्चर बना दिया. बैरन हर्शबर्ग, क्राइड हज्जी. हज्जी ने कहा कि बैरन हर्शबर्ग थे वो. God heavens, I gave him a sovereign and he sank into an armchair in dismay. हे भगवान, वो बैरन हर्शबर्ग थे. मैंने एक छोटा सा सिक्का उसको दिया था. इतना कह करके वो एक चेयर पर बैठ गया, डूब गया चेयर में. ए हज्जी, gave him a sovereign, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. इस पर ट्रेवर बहुत जोर जोर से हंसा. तुमने उसे एक सिक्का दिया था? I think you might have told me, Alan, said Hajji. Hajji ने कहा कि तुम मुझे पहले बता देता Alan कि वो बैरन है, and not have let me make such a fool of myself. मैं ऐसा बेवकूफी वाला बात नहीं करता. मैंने उस मिलियनियर को एक सिक्का दिया. वेल, टू बिगिन विद हज्जी, सेड ट्रेवर, इट नेवर एंटर्ड माय माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी इन दैट रेकलेस वे. बिसाइड आई डिड नॉट नो वेदर हर्शबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन्ड. यू नो ही वॉज नॉट इन हिज यूजुअल क्लॉथेस. अच्छा किया, ठीक किया कि ट्रेवर ने कहा ऐसा बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आना चाहिए कि अपने पैसे बांटते चलो इधर उधर. ऐसा करने से तुम्हारा अपना इनकम कमेगा. भाट एट अफर ही मस्ट थिंक मी, साइड हज्जी. नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेफ्ट. Kept chuckling to himself and rubbing his wrinkled hands together. I could not make out why he was so interested to know all about you, but I see it all now. इस पर आर्टिस्ट महोदय ने कहा कि मैं उस बूढ़े भिखारी को जिसे तुमने पैसे दिया था, वो तुम्हारा अता पता ढूंढ रहा है, वो तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा है. मुझे ये पता नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्यों इतना इंटरेस्ट रख रहा है, तुमको क्यों वो जानना चाहता है.
I am an unlucky devil, growled Hajji. The best thing I can do is to go to bed. My dear Alan, you must not tell anyone. I should not dare show my face in public. मैं बहुत ही बदनसीब हूँ मेरे दोस्त, हज्जी ने कहा। ये सबसे अच्छा बात होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ कि मैं अपने बेड में सोने जा रहा हूँ। ओ मेरे दोस्त, तुम मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताना। मैं अपना चेहरा पब्लिक के सामने भी नहीं दिखा सकता हूँ। नॉनसेंस, एक बकवास क्या कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट्स योर जेनरियस स्पिरिट स्पिरिट हज्जी। ऐसा किया तो इससे तुम्हारा बहुत बड़ी महानता दिखता है हज्जी। डू नॉट रन अवे, भागो मत। स्टे एंड टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक। खड़ा हो, उठो और मुझे बताओ अपने लॉरा के बारे में जिसे तुम चाहते हो। हाउएवर, हज्जी वुड नॉट स्टॉप बट वॉकड होम फीलिंग अनहैप्पी एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फीट्स ऑफ गटर। लेकिन हज्जी नहीं माना उसकी बात। वह चलता गया अपने घर की ओर और बहुत ही उदास सा दिख रहा था। एलान को छोड़ दिया, आर्टिस्ट को छोड़ दिया और घर में जाकर हंसने लगा। ट्रेवर हंस रहा था इधर। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वाज एट ब्रेकफास्ट हिज हेल्पर ब्रॉट ए कार्ड ऑन व्हिच वाज रिटन मिस्टर कस्टर्ड नॉडिन On behalf of Warren Hasberg, एक कार्ड ला करके दिया उसके एक नौकर ने। उसके ऊपर में लिखा हुआ था मिस्टर कस्टबर्ग नॉडिंग ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हसबर्ग। ए बैरन हसबर्ग की ओर से जा रहा है। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपोलॉजी सेड हज्जी टू हिमसेल्फ एंड ही टोल्ड द हेल्पर टू शो द विजिटर अप। हज्जी ने कहा मैं समझता हूँ वो बैरन हसबर्ग मुझसे बदला लेने के लिए आया है। हज्जी ने और अपने आप से कहा और अपने हेल्पर को कहा कि उस बैरन हसबर्ग जो बाहर हैं उसे ऊपर ले आओ। एन ओल्ड जेंटलमैन विथ गोल्ड स्पेक्टलेस एंड ग्रे हेयर केम इनटू द रूम। एक बूढ़ा भद्र आदमी सोना का चश्मा पहने हुए भूरे भूरे बाल वाले रूम में आया। हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर इरिस्किन ही सेड। बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या मैं मिस्टर इरिस्किन को आदर कर सकता हूँ। हज्जी बोवेड, हज्जी अपना सिर झुका दिया उस बूढ़े आदमी के सामने। I have come from Baron Hasberg.